हाय, मैं हूं अयाज और आप देख रहे हैं टेक। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा OnePlus के मिड रेंज फोन OnePlus Nord CE की, जो पिछले हफ्ते लॉन्च हुआ। एक्चुअली Nord CE को लेकर स्मार्टफोन यूजर्स के मन में काफी कंफ्यूजन। इससे पहले जो मैंने इस फोन पर वीडियो बनाया था, तब कमेंट सेक्शन में कई सवाल आए थे कि क्या हम OnePlus Nord CE ले सकते हैं, इसमें कुछ नया OnePlus ने क्या दिया है इस बार, या फिर दूसरे फोन्स की रीब्रांडिंग तो नहीं कर दी है, और इस रेंज में जो दूसरे फोन्स हैं उनके कंपैरिजन में Nord CE कैसा है। तो इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, साथ ही आप ये भी जानेंगे कि OnePlus Nord CE की सबसे बड़ी कमी क्या है, जिसकी वजह से आई थिंक इसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जितना कि शायद मिल सके। सबसे पहले तो आप ये जान लें, माइंड में बैठा लें कि भाई OnePlus अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले मार्केटिंग पर कम पैसा खर्च होता था और प्राइसेस भी फोन के कम होते, तब बिल्कुल उल्टा हो गया। मार्केटिंग तो ऐसे की जाती है जैसे इनसे अच्छे फोन्स ना तो कभी आए और ना कभी आएंगे, और जब फोन्स आते हैं तो उनके प्राइसेस जो है वो कस्टमर्स को ज्यादा लगते हैं। सिमिलर थिंग हैपेंड विद द OnePlus 9 सीरीज, और इसके लिए OnePlus को काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है। OnePlus Nord CE के लॉन्च के वक्त एक बात जो अच्छी थी वो ये कि इतना अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन OnePlus ने नहीं चलाया था जितना पहले लॉन्चेस में हमें देखने को मिला था। सो ये एक अच्छी बात थी, लेकिन जब फोन आया तो इट गॉट मिक्स्ड रिस्पॉन्स, और स्मार्टफोन यूजर्स जो काफी एक्साइटेड लग रहे थे पहले, दे वर डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटमेंट की वजह क्या थी? वेल, एक मीडियोकर स्पेक्स वाला फोन अगर आप लेकर आ रहे हैं, दूसरे ब्रांड्स के सिमिलर स्पेक्स वाले फोन्स के प्राइसेस आपसे कम है, तो भाई OnePlus फैंस तो डिसअपॉइंट होंगे ही, और फिर सिंगल 5G बैंड, मतलब क्या मजाक हो रहा है। चलो, अब जानते हैं कि OnePlus Nord CE में OnePlus ने आखिर क्या दिया है आपको, और इस रेंज में दूसरे जो ब्रांड्स हैं वो क्या दे रहे हैं। डिजाइन को अगर आप देखें तो दैट्स वेरी सब्जेक्टिव, आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है, आपकी पसंद के ऊपर है, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। फोन के अंदर क्या है उसको देखते हैं, लेकिन यहाँ पर यह आप ध्यान रखें कि OnePlus ने Nord CE से अलर्ट स्लाइडर गायब कर दिया है और 3.5 mm का ऑडियो जैक जो है वो दे दिया। आगे आपके ऊपर है। स्पेक्स में सबसे पहले बार डिस्प्ले, 6.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले है, और अगर आप OnePlus फोन्स यूज करते हैं तो यू नो की डिस्प्ले बड़ी शानदार होती है इनकी, लेकिन आजकल जो स्टैंडर्ड बन गया है 90Hz रिफ्रेश रेट, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई अपग्रेड नहीं। अगर कंपटीशन देखें तो IQOO Z3 Mi 10i और Note 10 Pro Max में इससे बड़ी डिस्प्ले है। हाँ, इधर AMOLED पैनल है और IQOO Z3 और Mi 10i में LCD पैनल है, तो Nord CE की डिस्प्ले ज्यादा बेहतर है, पर Note 10 Pro Max AMOLED पैनल के साथ आता है और 120Hz रिफ्रेश रेट है, सो दैट्स बेटर देन Nord CE। कैमरा को देखें तो आई वुड से कि इस डिपार्टमेंट में OnePlus ट्रेडिशनली वीक रहा है, और OnePlus Nord की कैमरा परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं थी अगर आपने देखा होगा। सो Nord CE में अचानक से कुछ अलग हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। 64 megapixel का ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पर दिया गया है, जबकि Mi 10i Note 10 Pro Max में 108 megapixel के सेंसर्स हैं, और IQOO Z3 में 64 megapixel है, लेकिन Vivo ने रिसेंट में अपना जो कैमरा है वो काफ़ी इंप्रूव कर लिया है, सो यहाँ पर भी आपको कुछ खास नहीं मिल रहा। हाँ, प्रोसेसर और परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus फोन्स हमेशा से अच्छे रहे हैं। Nord CE में Snapdragon 750G है, लेकिन सेम चिपसेट आपको Mi 10i और IQOO Z3 में भी मिलता है, बल्कि IQOO Z3 में तो 768G है, जिसकी परफॉर्मेंस इससे बेहतर है, और अगर Note 10 Pro Max को देखेंगे तो उसमें 732G है, और डे टू डे यूसेज में 750G और 732G में आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। Nord CE 23,000 का है, IQOO Z3 और Note 10 Pro Max इससे 3,000 रुपये कम है, सो ये कहना कि Nord CE एक वैल्यू फॉर मनी डील है, आई डोंट अग्री विद इट। 5G बैंड की अगर बात करें तो IQOO Z3 और Mi 10i में 2 5G बैंड का सपोर्ट आपको मिलता है N77 N78, जबकि Nord CE में सिर्फ 1 5G बैंड है, वो Nord CE उसको सपोर्ट करता है N78। Realme X7 X7 Max में आपको 5 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, वैसे 5G भी लॉन्च हुआ नहीं है और इसे अब तक पहुंचने में अभी 1.5 से 2 साल लगेंगे, लेकिन सिर्फ 1 5G बैंड का सपोर्ट, ये समझ नहीं आता। हाँ, ऑक्सीजन ओएस की वजह से आप Nord CE को प्रेफर कर सकते हैं इन सभी फोन्स के ऊपर। आई पर्सनली फेवर ऑक्सीजन ओएस ओवर ऑल अदर स्किन्स, कॉज ये बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है और इस पर इंटरेक्शन बड़ा स्मूथ है, ब्लॉटवेयर नहीं है, बड़ा ही क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है। सो इफ यू आस्क मी कि OnePlus Nord CE में दूसरे फोन से अलग आपको क्या मिलता है, दूसरे ब्रांड से अलग, तो आई वुड से कि ऑक्सीजन ओएस एंड नथिंग एल्स। इनफैक्ट जो स्पेक्स और फीचर्स आपको OnePlus Nord CE में दे रहा है, उससे कम प्राइस में आपको IQOO Z3, Note 10 Pro Max और Mi 10i में इससे अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं, स्पेशली इन फोन्स का जो कैमरा है वो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि OnePlus अब पहले जैसा नहीं रहा, और अब उतने वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको OnePlus से नहीं मिल रहे हैं जितने शायद पहले मिलते थे, और जो फोन्स की प्राइसिंग है ये सबसे बड़ी कमी है OnePlus की, और OnePlus Nord CE के साथ भी ऐसा ही, और इसी वजह से OnePlus फैंस भी डिसअपॉइंटेड है।
स्पेक्स को देखें तो अगर नॉर्थ सी 2000 रुपए कम होता 20 से 21 हजार तो बात अलग होती। सो अगर आपको ऑक्सीजन ओएस चाहिए या फिर आप अपना पहला वन प्लस फोन लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट, एल्स मार्केट में और भी अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि वन प्लस अब उतना कस्टमर फ्रेंडली नहीं रहा जितना पहले था? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इस टेक टॉक वीडियो में इतना ही, ऐसी ही और दूसरी इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोज के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए टेक टॉक।